हेलो फ्रेंड्स, गौरव हियर। और जरा गेस करो ये प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। ना, ये एक्चुअली वीनस है। शॉक्ड? ऐसा इसीलिए क्योंकि नासा ने हमें वीनस ऐसे बताया है। बट यू नो द ट्रूथ इज कि सिर्फ यही नहीं बल्कि बाकी सारे प्लैनेट्स भी जो नासा हमें बताता है वो असल में उस पिक्चर से काफी अलग दिखते हैं। और फिर सवाल ये आता है कि प्लैनेट्स वाकई में दिखते कैसे हैं और नासा क्यों हमें ऐसी गलत तस्वीरें दिखा रहा है। और यहाँ पर तो हम सिर्फ प्लैनेट्स की बात भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूसरे स्पेस फिनोमेनॉन्स का क्या, जैसे कि सुपर क्लस्टर जिसे हम बचपन से ऐसे देखते आए, डिड यू नो कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड नॉट जस्ट सुपर क्लस्टर्स, ऐसे भी और स्ट्रक्चर्स है जिनकी थियरी हमें बताई गई लेकिन रियल लाइफ में उसका नामो निशान नहीं है। और आपको शायद पता होगा कि स्पेस का अपना खुद का एक स्मेल भी होता है। बट जो चीज आपको नहीं पता है वो ये है कि हर एक प्लैनेट की भी अपनी खुद की एक स्मेल होती है एंड उसे जानने के लिए बेसिकली हमें स्पेस को एक्सप्लोर करना होगा। और वही तो हम आज करने वाले हैं आज के इस वंडरफुल वीडियो में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेस एडवेंचर टाइटल्ड दिस इज नॉट व्हाट स्पेस लुक्स लाइक। स्पेस, जब भी हम स्पेस की पिक्चर्स देखते हैं तब पहली चीज हमारे दिमाग में आती है, वाओ, लुक एट दोस ब्यूटीफुल पिक्चर्स। लेकिन द ट्रूथ इज कि अगर हम यही पिक्चर्स स्पेस में लेके गए और उन्हें साइड बाय साइड देखें तो नजारा कुछ बहुत ही अलग होगा। और मैं नजारा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि स्पेस के सारे ऑब्जेक्ट्स को आप जिस कलर में इमेजिन कर रहे हो वो कलर तो स्पेस में एक्चुअली में मौजूद ही नहीं है। शॉक्ड, राइट? तो आखिर कौन से कलर्स है जो स्पेस में है और जिनके वो ऑब्जेक्ट्स है, चलिए देखते हैं। सो नासा के फोटोज के अनुसार मर्क्यूरी कुछ इस तरह का दिखता है, पर रियलिटी में उसका कोई एटमोस्फियर नहीं होने के कारण रॉकी सरफेस ही उसका असली कलर है, यानी कि ग्रे कलर। इनफैक्ट हमें दिखाए जाने वाले कई सारे प्लैनेट्स के फोटोज भी फेक ही है। प्लैनेट्स का कलर डिपेंड करता है उनके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जिस एलिमेंट या गैसेस की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी प्लैनेट भी वही कलर का दिखाई देगा। वीनस की बात ले लो, वीनस जिसका सरफेस हम स्पेस से नहीं देख सकते पर फिर भी नासा ने इसकी एक इमेज बताई जिसे लोग समझने लगे कि ओह, वीनस तो ऐसा ही दिखता है। पर जब और रिसर्चर्स होते गए तब पता चला कि वीनस का कलर इज नथिंग बट उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट यूरिक एसिड क्लाउड्स, इस तरह का दिखता है। पर क्यों साइंटिस्ट हमें ऐसी इमेजेस दिखाते हैं जो रियलिटी में वैसी है ही नहीं? आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? सो इसके पीछे साइंस है। आप सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन। इस स्पेक्ट्रम में हम सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकते हैं पर स्पेस में तो सभी तरह की लाइट्स मौजूद है, जैसे कि गामा रेडिएशंस, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जो हमारी आंखों को नहीं दिखाई देती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस हमें इन लाइट्स का कलर ही पता नहीं होता है। कुछ वैसे ही जैसे हमें हमारे आने वाले कल में, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता नहीं होता है। और यही कारण है जिसके लिए साइंटिस्ट हमें ऐसे इमेजेस बना के देते हैं जिसके कलर्स को हम डिटेक्ट कर पाए और याद भी रख पाए। सो ये कलर्स आखिर बनते कैसे हैं? स्पेस के फोटोज के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च किया गया था, पर ये टेलीस्कोप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही इमेजेस साइंटिस्ट को भेजता है और फिर साइंटिस्ट इमेजेस को डिफरेंट फिल्टर्स यूज करके एक कलरफुल इमेज बनाते हैं, क्योंकि ह्यूमन आईज के फोटो रिसेप्टर सेल्स सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ ही समझ सकते हैं और इसीलिए साइंटिस्ट इन तीन फिल्टर्स को यूज करके तीन अलग अलग इमेजेस रेडी करते हैं जिसके बाद उसके कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक फाइनल इमेज को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। बट सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं, आप इसे ही देख लो, ये है अपना मिल्की वे जो दिखने में इतना कलरफुल दिख रहा है पर सुनकर दुख होगा बट ये आपके साथ किया हुआ एक स्कैम है क्योंकि मिल्की वे तो इतना कलरफुल है ही नहीं अगर आप उसे अपने आंखों से देख लो। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर जेफरी न्यूमैन ने 100 से भी ज्यादा गैलेक्सीज के ऑब्जर्वेशन किए जिसमें उन्हें पता चला कि मिल्की वे दिखने में स्नो की तरह दिखाई देता है, यानी मिल्की वे का एक्चुअल कलर प्योर व्हाइट है और इसीलिए शायद इसका नाम भी पड़ा होगा मिल्की वे। इतना ही नहीं बल्कि हम देखते आए हैं ब्राइट एंड कलरफुल नेब्यूले जो डस्ट और गैसेस के बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, वो भी एक्चुअल में इतने ब्राइट नहीं होते हैं। फोटोज में वो आपको एक रेनबो के कलर्स की तरह दिखाई देंगे और बहुत से लोग जैसे कि मैं इनके वॉलपेपर्स भी रखते हैं क्योंकि एक ड्रीमी सा लुक आता है। बट अगर आप उसे टेलीस्कोप से देखोगे ना तब वो आपको चमकीले और अलग अलग कलर में दिखाई देंगे एंड
जैसे ही आप उनके पास जाने लगोगे तब आपको समझ आएगा कि नेब्यूले मोस्टली रेड कलर के होते हैं और ये कलर भी उनमें मौजूद स्टार्स की वजह से ही उन्हें मिलता है। यानी जो कलर स्टार एमिट करेगा वही कलर नेब्यूला का भी होगा। इसके अलावा वो जितने क्रीमी और कंडेंस्ड हमें दिखते हैं उतने होते नहीं है। सो चलो ये तो हो गई ऐसे इमेजेस की बात जिसके एटलीस्ट कलर्स तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन साइंटिस्टों ने ऐसी कई चीजें बताई है जिसकी थियरी तो हमें पता है बट वो चीजें एग्जिस्ट करती है या नहीं इसकी कोई खबर नहीं है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है व्हाइट होल्स। 1970s में व्हाइट होल काफी चर्चे में आया था। लोगों ने ऐसा मान ही लिया था कि अगर ब्लैक होल्स होते हैं तो उसका मतलब व्हाइट होल्स भी होते हैं, पर इस थियरी को प्रूफ करने के लिए उनके पास कोई इमेज ही नहीं था और इसीलिए लोगों ने मान लिया कि व्हाइट होल अनस्टेबल है और शायद ऐसे नॉर्मली एग्जिस्ट भी नहीं करते होंगे। और इसके बाद उसकी चर्चा कम होने लगी एंड सो फार कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स को व्हाइट होल कैप्चर करने में सफलता नहीं मिल पाई है। बट उसके बाद साल 2006 में हुआ गैमा रे बर्स्ट। ये घटना हमें वापस ले आई व्हाइट होल्स पर। बेसिकली गैमा रे बर्स्ट यूनिवर्स के मोस्ट एनर्जेटिक एक्सप्लोजन्स में से एक है जिसे 2006 में ऑब्जर्व किया था एलन रेटर और श्लोमो हेलर ने। उनके हिसाब से सब गैमा रे बर्स्ट सिर्फ ऐसी जगह पे होते हैं जहां स्टार फॉर्मेशन लो होता है, पर GRB060614 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसीलिए उन्होंने इसके बाद सोचा कि ये बर्स्ट शायद एक व्हाइट होल हो सकता है जो काफी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, पर वो व्हाइट होल है या नहीं उसका पता आज तक नहीं चल पाया है। सो बेसिकली अब तक ये बस एक थियरी है। आपको क्या लगता है भाई लोग, क्या व्हाइट होल्स सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं? क्या हम फ्यूचर में कभी उनके होने को कंफर्म कर पाएंगे? अब दूसरी चीज जो इमेजिनरी और थियोरेटिकली एग्जिस्ट करती है वो है स्टार कॉन्स्टेलेशन। अब आई नो ये थोड़ा बेसिक है लेकिन हम इंडियंस के लिए जानना जरूरी है दैट कॉन्स्टेलेशंस आर नॉट रियल। कॉन्स्टेलेशंस कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इमेजिनरी बाउंड्रीज है जिन्हें फार्मर्स, पोएट्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने 6000 साल या उससे भी पहले अपने फायदे के लिए बनाया। और तीसरी बात है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर यानी कि ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स, लानिया सुपर क्लस्टर जिसे हम अपना होम क्लस्टर मानते हैं, जो एक ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज है और जिसमें हम जानते हैं कि वो करीबन 100,000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज के साथ जुड़ा हुआ है। पर यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जिसे हम सुपर क्लस्टर अब तक मानते आए हैं दरअसल वो रियल ही नहीं है। यस दे आर नॉट रियल। According to astrophysicist Ethan Siegel, the term supercluster is meaningless. उनके हिसाब से हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो सिर्फ मैटर से बना हुआ है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ स्पेस की इंटरनल एनर्जीज और डार्क एनर्जीज भी इंक्लूडेड है और यही एनर्जी सुपर क्लस्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्स फॉर्म हो रहा था तब स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे, गैलेक्सीज मर्ज हो रहे थे और क्लस्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। पर थोड़े टाइम बाद जब ये सारी चीजें एक्सेलरेट होना शुरू हो गई तब इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन चीजें एक दूसरे से दूर जाने लग गई। सो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में सिर्फ ऐसी ही चीजें एक्सपैंड होगी जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है और यही एक कारण है कि गैलेक्सीज और क्लस्टर्स तो दिखेंगे पर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, यानी कि वो सुपर क्लस्टर नहीं बनेंगे। बिकॉज शॉर्ट डिस्टेंसेस में ग्रेविटी अपना काम कर रही है और एक गैलेक्सी और क्लस्टर को आपस में बनाए रख रही है, बट देन लॉन्ग रेंज डिस्टेंसेस में डार्क एनर्जी ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रही है और नतीजन सिर्फ क्लस्टर्स का ही बनना पॉसिबल है एंड ग्रुप एंड गैलेक्सीज एंड स्मॉलर स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल है बट सुपर क्लस्टर इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ इमेजिनेशन का ही खेल है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉल्स पॉइंट पे जो है स्मेल। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि जैसे अर्थ पे लोकेटेड हर एक चीज का एक स्मेल होता है, वैसे ही स्पेस में प्रेजेंट थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स का भी एक स्पेसिफिक स्मेल होता है? अगर हम स्पेस के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा सोलर सिस्टम या फिर मिल्की वे। पर क्योंकि यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में है जिनका खुद का कोई स्मेल नहीं होता, तो अनफॉर्चुनेटली मिल्की वे का भी कोई स्मेल नहीं है। लेकिन 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 सोलर सिस्टम में प्रेजेंट थोड़े प्लैनेट्स के अलग अलग स्मेल्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीनस। वीनस का स्मेल सड़े हुए अंडों जैसा है और इसके पीछे का मेन रीजन है इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद क्लाउड्स जो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए होते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो इंसानी फार्ट में हार्डली कुछ परसेंटेज सल्फर होता है जो कि सिंगल डिजिट्स में है और जो रिस्पॉन्सिबल है फार्ट के गंदे स्मेल के लिए। बाकी 90% से भी ज्यादा फार्ट का एक्चुअली में कोई स्मेल ही नहीं होता है, जस्ट गैस है। सो अब जस्ट इमेजिन करो जो पूरा प्लैनेट ही एक सल्फ्यूरिक एसिड के एटमॉस्फेयर से बना हो, वहां पे कितनी बास आती होगी।
सिर्फ वीनस ही नहीं बल्कि मार्स के आउटर एटमॉस्फेयर में सल्फर कंपाउंड होने के कारण वो भी रॉटन एग्स जैसा ही स्मेल करेगा। और ये सुन के कुछ वियर्ड फील हुआ, हम ऐसे देश में जाने वाले हैं आगे इन फ्यूचर। अब जरा जुपिटर का भी सुन लो, क्योंकि जुपिटर के आउटर सरफेस में अमोनिया होता है और इसीलिए वो एक पब्लिक टॉयलेट की तरह स्मेल करेगा। कभी पब्लिक टॉयलेट गए हो, वैसे ही कुछ स्मेल जुपिटर से आएगी। और बाकी यूरेनस और नेपच्यून का भी रॉटन एग्स जैसा ही स्मेल होगा। अब सोलर सिस्टम से नाक हटा के इंटरस्टेलर वाले पार्ट में नाक डालते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में भी अमोनिया और सल्फर की क्वांटिटी होने के कारण वो भी रॉटन एग्स की तरह ही स्मेल करेंगे, बस सिर्फ रेडिएशंस की बारबेक्यू वाली स्मेल इसमें ऐड हो जाएगी। बट इंटरस्टेलर के थोड़े बहुत पार्ट में इथाइल फॉर्मेट के कारण रम की स्मेल भी आती है। स्मेल के साथ ही एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जो है प्लैनेट्स का साउंड। नासा ने ऐसे कई सारे प्लैनेट्स के साउंड्स को कैप्चर करके लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन स्पेस तो एक वैक्यूम है, और अगर वैक्यूम है मतलब साउंड ट्रैवल नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, राइट? एयर ही नहीं है, तो हवा आपके कान तक कैसे ट्रैवल करेगी? तो साउंड आखिर इन लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वेल, जो आपने अभी सुना वो प्लैनेट का एक्चुअल साउंड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसलेशन है, जिसे साइंटिस्ट स्पेस प्रोब पे अटैच्ड एक टूल द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। ये टूल तीन कॉइल से बने हुए होते हैं, जो तीन डायमेंशन में ओरिएंटेड होते हैं, और यही थ्री डायमेंशन से ये कॉइल्स प्लैनेट की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक वेव्स फ्रीक्वेंसी को रजिस्टर करते हैं, और आगे जाके साइंटिस्ट यही फ्रीक्वेंसी को साउंड में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स इट। सो एक्चुअली में साइंटिस्ट प्लैनेट्स की साउंड को नहीं कैप्चर करते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं। अब आई लोग, इतने सारे स्पेस के मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने के बाद मुझे एक सवाल आ रहा है कि जब व्हाइट होल की सिर्फ थियरीज एग्जिस्ट करती है, तो क्या वर्म होल्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते होंगे? ये भी एक थियरी है, लेकिन आइंस्टाइन का ही मानना था कि ये पॉसिबल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या व्हाइट होल्स और वर्म होल्स हमें इन फ्यूचर मिल पाएंगे? और उससे भी मजे की बात, अगर वर्म होल से हम ट्रैवल कर पाए तो क्या हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? लिखिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेट फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।